वजीर कोपला ईश्वर ने कहा है कि कांग्रेस इंतखाबात से पहले ऐलान के नाम पर दलितों और कबाइलियों को छुपाने की कोशिश कर रही। मुल्क में 40 करोड़ से ज्यादा दलित और कबाइली हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने 50 साल से ज्यादा मुल्क पर हुकूमत की, उसने दलितों और कबाइलियों को धोखा दिया और धोखे देकर उनके वोट लिए। दलित कबाइल इतने मासूम नहीं कि कांग्रेस की बातों पर यकीन कर लें। मल्लिकार्जुन खड़गे को ये सुप्रीम कोर्ट का ऐलामिया तेलंगाना में नहीं बल्कि कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस ऐलान को पूरे मुल्क में जारी किया जाना चाहिए। कांग्रेस के ऐलान पर किसी को यकीन नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को इतने सालों में इन स्कीमों को नाफिज करने का ख्याल क्यों नहीं आया, उन्होंने सवाल किया और कहा कि क्या कांग्रेस के दौर में दलित कबाइली तलबा के लिए बहुत से रिहायशी स्कूल और कॉलेज कायम किए गए थे। उन्होंने कहा कि हमने 1006 रिहायशी स्कूल कायम किए हैं।